हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम राजमा की सब्जी बनाएंगे। पैन में 1 टीस्पून ऑयल गरम करें, लहसुन अदरक और मिर्ची डालें, एक प्याज को रफली चॉप करके डालें, टमाटर ऐड करें और 2 मिनट के लिए सौते करें। राजमा को हमने 5-6 घंटे पहले भिगो कर नमक हल्दी डालकर उबाल लिया है। सभी सब्जियों को ठंडा करके मिक्सी में पीस लें। पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल गरम करें, राई जीरा और सूखे मसाले ऐड करें। सब्जियों की जो ग्रेवी बनाई वो ऐड करेंगे। ग्रेवी को 2 मिनट पकाने के बाद सूखे मसाले ऐड करेंगे। जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी ऐड करें। 1/2 टीस्पून चीनी और राजमा ऐड करें। गर्मा गर्म चपाती के साथ ही हमारी राजमा की सब्जी रेडी है। फ्रेंड्स, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वाह, सो यम्मी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आलू की मसाला कतरी बनाएंगे। आलू को छील कर इस तरह राउंड शेप में कतरी काट लें। 2-3 बार साफ पानी से धो लें। पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल गर्म करें, राई और जीरा ऐड करें, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करें, बारीक चॉप की हरी मिर्ची ऐड करें, बारीक चॉप की और प्याज ऐड करें। सभी को 2 मिनट के लिए सोते कर लें। स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी ऐड करें। आलू की कतरी ऐड करें, अच्छे से मिक्स कर लें और मीडियम आंच पर ढक्कन लगाकर 10 मिनट पकने दें। बिना पानी के इसको मीडियम आंच पर पकाना है हमको। मिर्ची और भुने जीरे का पाउडर डालें, धनिया और चाट मसाला डालें। टेस्टी आलू कतरी रेडी है फ्रेंड्स। वाओ, सो यम्मी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे केले की सब्जी। घी, जीरा, हिंग, केला, नमक, हल्दी या जीरा, अमचूर पाउडर से ढक के 1 मिनट तक पकने देंगे। हरा धनिया, हमारी सब्जी तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बना रहे हैं आलू छोले की सब्जी। छोले को भिगो कर नमक और हल्दी डालकर उबाल लें। उनको हाथों से बड़ा बड़ा काट तोड़ लें। मटर प्याज को बड़ा बड़ा काट लें। काली मिर्ची, हरी मिर्ची और अदरक, ये सूखे मसाले। पैन में 2 टीस्पून ऑयल गरम, सारी सब्जी ऑयल में डालें। सब्जी को 1 मिनट के लिए सोते कर लें। अगर मिक्सी में पीसे ऑयल गरम करें और सूखे मसाले ऐड करें। पीसते जो सब्जी की ग्रेवी बनाए वो ऐड करके मसाले ऐड करें। आलू ऐड करें, थोड़ा सा गुड़ ऐड करें, छोले ऐड करें। छोले की टेस्टी सब्जी होगी। मूंग की दाल की खस्ता कचौड़ी बनाएंगे। हमने 2 कप मैदा लिया है। नमक और अजवाइन डालें। 4 टीस्पून घी का मोहन डालें। आटा इस तरह बनना चाहिए। मीडियम डो रेडी करें। बिना छिलके की मूंग की दाल को हमने 2 घंटे पहले भिगो ली थी। अब इसे मिक्सी में दरदरा पीस लें। पैन में ऑयल गरम करें, हींग डालें, सभी सूखे मसाले डालें, मिर्ची और अदरक डालें, सूखे मसाले डालें, 1 टीस्पून बेसन और थोड़ा नींबू का फूल डालें। दाल पीसी वो ऐड करेंगे। इस तरह पूरी बेलें, बीच में दाल की फिलिंग रखेंगे। एक एक लेयर को पकड़ कर इस तरह गोल बनाएं। बीच के भाग को छोड़ दें। मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। टेस्टी कचौरी रेडी है फ्रेंड्स। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज्ज़ा। पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, प्याज और टमाटर को बारीक चॉप कर लें। सभी सब्जियों को एक बड़े बाउल में लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक, काली मिर्च और जीरा पाउडर मिलाएंगे। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड ओरेगानो डालेंगे। तवे के ऊपर बटर लगा ब्रेड के ऊपर के भाग पर पिज्जा सॉस लगाएंगे। ब्रेड के ऊपर सब्जी की स्टफिंग रखेंगे। ब्रेड के ऊपर चीज घिसे। तवे पर बटर लगाएं, हेड स्लाइस को रख दें। ओरेगानो चिली फ्लेक्स डालें ऊपर। ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर 5 मिनट तक बेक करें। ब्रेड पिज्जा रेडी है फ्रेंड्स।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम